स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी पे। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th के लर्नर्स के लिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्लास 10th के लिए बिल्कुल ही नया होता है, क्योंकि इससे पहले क्लास 9th या उससे पहले में भी ये टॉपिक कहीं पे भी सिलेबस में या करिकुलम में नहीं होता है। तो ये इससे स्टूडेंट्स काफ़ी इसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो सबसे आसान टॉपिक है ये। तो आइए चलते हैं, हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में बात आता है कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड आप देखिए इसमें, ट्राई गॉन और मेट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसे मिलकर के बना होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, जबकि गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर एक इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बेसिकली जो ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के ये रिलेशनशिप को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी ट्रेंगल में अगर कहीं पे भी ट्रेंगल ये वर्ड अगर यूज किया जाता है तो वो राइट एंगल ट्रेंगल है, ये आपको समझना पड़ेगा, जिसमें कि दो साइड्स एक दूसरे पे 90 डिग्री के रूप में होंगे। और हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे पिछले क्लासेस में, तो एक इसमें परपेंडिकुलर होता था और एक बेस होता था, जबकि जो बड़ा वाला साइड होता था वो हमारा हाइपोटेनस उसको बोलते थे। तो चलिए हम लोग उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर इसके रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात किया जाए तो इसमें टोटल 6 रेशियो होता है। सबके नाम आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे जब आप इस चैप्टर को, इसके टॉपिक्स को, इसके एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। ये रेशियो अपने आप में कुछ नहीं है, इन सभी रेशियो के साथ में एंगल का होना बहुत जरूरी है। क्या होता है रेशियो और क्या होता है एंगल, आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में अगर हम देखें तो एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होता है, और तीसरा जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा ये डिसाइड करेगा हमारा एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी थीटा एंगल, जो कि एंगल सी पे बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे थीटा एंगल सी पे यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इस एंगल पे आप खड़े हो जाइए और सामने देखिए, जो भी सामने वाला साइड होगा वो साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये देखिए। और जिस साइड से पे ये कनेक्ट होता है, ये थीटा एंगल जिस साइड से कनेक्ट होगा बड़े वाले साइड्स को छोड़ करके, दो साइड्स यहाँ पे राइट एंगल पे है और एक सामने में इसके राइट एंगल, राइट एक साइड है, और वही राइट एंगल बनाने वाला दूसरा साइड पे ये थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, तो ये जो साइड होगा उसको बेस बोलेंगे। अगर हम बात करें दूसरे एंगल की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे एंगल ए को अगर हम मेजरमेंट लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा। यहाँ पे आपको खड़े होना है दिस पॉइंट पे, और यहाँ से आपको सामने देखना है, और जो भी सामने वाला साइड होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो दूसरा साइड ये राइट एंगल बनाने वाला साइड वो बेस होगा, जबकि तीसरा हमारा हाइपोटेनस होगा। अब चलिए, इसके पहला रेशियो है जो हमने पीछे देखा था वो था साइन। बेसिकली हमने बताया था साइन अपने आप में कुछ नहीं है, इसके साथ में एंगल का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग अगर थीटा एंगल की बात करते हैं तो थीटा एंगल को साइन के साथ लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन और थीटा का आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं है। साइन थीटा एक रेशियो को बताता है, जो थीटा एंगल के लिए वो रेशियो वैलिड होगा। तो ये रेशियो होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा, तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें तो इस ट्रेंगल में भी थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, जबकि अगर हम बात करें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, लेफ्ट साइड वाले में, तो इसमें जो है थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ए बी है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब लिखते हैं साइन सी
अभी मैं थीटा के जगह पे उस पर्टिकुलर एंगल का मैं नाम लिख रहा हूँ साइन सी। तो साइन सी हम फिर से ध्यान से देखिए, साइन सी सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है आपका ए बी, तो हमें परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी, और इसके लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा वो ए सी, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर हम इस एंगल को सी की जगह पे अगर ए लिखते हैं तो क्या होगा, जरा फिर से सोचिए। इसमें अगर हम साइन ए लिखते हैं तो ये रेशियो आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। चलिए अभी हमें ये साइन का रेशियो हमें पता हो गया। अब एक रेशियो जो इसका इनवर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉसेक, उसके रेशियो की बात करते हैं। छह रेशियो में तीन रेशियो और के हर एक का अपना एक इनवर्स होता है, तो साइन का इनवर्स जो होता है कॉसेक होता है। तो देखिए अगर हम कॉसेक थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब ये 1/sin θ है। आपको याद करना होगा जब हमने अभी ये रेशियो भी पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू P/H था। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका जब हमें इन्वर्स लिखने की बात होगी तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। H ये हाइपोटेनस ऊपर में चला गया बेसिकली न्यूमिरेटर में, और परपेंडिकुलर जो था वो डिनोमिनेटर में चला गया, जबकि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर न्यूमेरेटर में था और हाइपोटेनस जो था वो डिनोमिनेटर में था। तो चलिए इसके रेशियो की बात करते हैं किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए। तो अगर सी एंगल के लिए बात करें तो कॉसेक सी आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पे ऊपर में है और ए बी यानी कि परपेंडिकुलर। इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर वही रूल वही रहेगा, जिस एंगल का परपेंडिकुलर अगर देखा जाए उस एंगल पे जस्ट सामने देखना है वो साइड जो है उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर कॉसेक ए की बात करें तो कॉसेक ए में इस एंगल के लिए कॉसेक ए इस एंगल ए एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर इसके सामने में है यानी कि बी बी सी है, तो बी सी डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो इससे कनेक्टेड जो राइट एंगल वाला साइड है वो आपका बेस हो गया और सामने ये ए सी जो है हाइपोटेनस हो गया। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले रेशियो कॉस। कॉस थीटा में भी फिर से वही कहानी बी अपॉन एच। साइन थीटा में हमने पीछे पढ़ा था उसमें था हमारा पी बाई एच, इसमें है बी बाई एच। दोस्तों ये रेशियो का ये जो फॉर्मूला है ना आपको याद होना चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि चलो इसको बाद में याद कर लेंगे, देख देख करके बुक में भी हम कर लेते हैं। नहीं, आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट उसके फॉर्मूला पे जुड़े रहते हैं। तो आप प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके फॉर्मूलाज को जरूर याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा का जो होता है बी अपॉन एच होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी अगर हम बात करें कॉस सी के लिए, फिर से सी एंगल अगर आप देखिए तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है आप समझ गए होंगे। सी एंगल के लिए आपका बेस हो गया बी सी और फिर से हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए सी। अब हम बात करते हैं कॉस ए की, तो आप सब बता सकते हैं क्या हो सकता है। राइट, कॉस ए के लिए आप बात करेंगे तो इसके लिए आपका बेस हो जाएगा ए बी, और फिर से देखिए ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी है और बेस आपका ए बी है, और हाइपोटेनस आप देखेंगे तो वो क्या हो गया आपका ए सी हो गया। तो इसका हमें रेशियो अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला बी बी अपॉन एच ही है रेशियो, लेकिन ये रेशियो चेंज हो जाता है जब हम एंगल को चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा शुरुआत में मैंने बताया था कि एंगल और साइड का रेशियो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम बात करते हैं कॉस का इनवर्स में कौन होगा, जैसे साइन के इनवर्स में कॉसेक था। चलिए बात करते हैं अगले रेशियो के बारे में जो कॉस का इनवर्स होता है। आपको हमने पहले ही बताया था कि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, वैसे ही कॉस का इनवर्स होता है हमारा सेक थीटा। थीटा एक इस एंगल का नाम है। आगे के वीडियोज में जब मैं इस एंगल से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो जो आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देगा, वो इसके आगे के लेवल में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक थीटा के बारे में। ये कॉस थीटा का इनवर्स होता है, और हमने अभी जब देखा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है हमारा बी अपॉन एच, तो आप सोच सकते हैं इसका इनवर्स है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन बी। जस्ट इसका जो डिनोमिनेटर था इसमें ऊपर न्यूमिनेटर में चला गया और इसका न्यूमिनेटर उसके डिनोमिनेटर में चला गया इनवर्स। अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स के लिए। सी एंगल के लिए अगर देखा जाए तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस है बी सी, तो हमारा एच अपॉन बी क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस ए सी अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी।
लेकिन जैसे ही हम अब बात करेंगे अगर एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के केस में ये आप सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस, तो उस समय आपका रेशियो क्या हो जाता है, तो उस समय आपका रेशियो हो जाएगा फिर से हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। तो अब बात करते हैं एक तीसरा रेशियो जिसको कि हम लोग टैन बोलते हैं। टैन यानी साइन का हमने देखा पहले इन्वर्स था कॉसेक, दूसरा रेशियो देखा कॉस थीटा, इसका इन्वर्स था सेक, और तीसरा है टैन, टैन का इन्वर्स होता है कॉट। तो पहले टैन को समझ लेते हैं फिर हम लोग कॉट पे डिस्कस करेंगे। तो टैन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन बी, पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बी। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये टैन थीटा ना कुछ होता नहीं है, साइन और कॉस का ही आपस में रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा क्या था फॉर्मूला उसका, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, बी अपॉन एच। अगर इनका अगर हम रेशियो करें पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच करें, देखिए एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, पी अपॉन बी बच जाएगा। तो यही ये फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। अगर आपने साइन और कॉस याद कर लिया तो बाकी के सारे रेशियोज के फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। बस आपको समझ जाना है कि टैन जो होता है साइन अपॉन कॉस का ही रेशियो होता है और बाकी तीनों का इन्वर्स आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो प्लीज इस रेशियो को जल्दी से जल्दी आप लोग याद कर लीजिए ताकि हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन सी एंगल के लिए लेकर देखते हैं। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है आपका, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और इसके लिए बेस कौन सा है, बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा टैन सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। फिर बात करें अगर ए एंगल के केस में, तो ए एंगल के केस में ये बदल जाएगा फिर से, उसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी सी जबकि आपका बेस हो जाएगा ए बी। तो देखिए उस समय रेशियो क्या हो जाएगा, टैन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। और इसका फिर से अब हम लोग टैन का जब सीख चुके हैं तो अब कॉट का बताइए जरा क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन टैन थीटा क्योंकि इनवर्स है। तो ये रेशियो यहाँ पे जो पी है और ये जो बी है आपस में जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कॉट थीटा टैन थीटा का इन्वर्स होता है। टैन थीटा में हमारा परपेंडिकुलर न्यूमरेटर साइड में था और बेस हमारा डिनोमिनेटर साइड में था, तो ये दोनों आपस में जगह को एक्सचेंज कर लेंगे और यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला जो होगा उसमें आपका बेस न्यूमरेटर साइड में चला जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर साइड में चला जाएगा। तो चलिए किसी एंगल के लिए निकालते हैं, कॉट सी अगर पूछा जाए आपसे तो कॉट सी, सी के केस में बेस कौन सा है बताइए, बी सी है, और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ए बी है। तो ये हो जाएगा रेशियो बी सी अपॉन ए बी। ऐसे ही कॉट ए के केस में अगर बात की जाए इस ए एंगल के लिए, तो इसमें परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा और बेस ये सामने इससे जुड़ा हुआ जो साइड है यानी कि ए बी, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो प्लीज इस रेशियो को सारे को आप लर्न कर लीजिए ताकि हम आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगला जो मैं जिस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलेंगे सर ये तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, बस ये क्विक रिव्यू है ताकि आप चीजों को रिवाइज कर लें जो आपको इस क्लास में इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम सब लोगों ने पढ़ा है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल होता है, इस ट्रेंगल में एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, ये हमें पता है। एक इसके बीच का रिलेशन होता है, जरा रिकॉल कर लीजिए, वो होता है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी हाइपोटेनस पर पी यानी परपेंडिकुलर और बी यानी कि बेस, और इन तीनों का जो आपस में जो रिलेशनशिप है इन इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, इसमें से अगर कोई भी दो आपको दिया गया है तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास में राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें कि एक साइड है 3, सपोज 3 सेंटीमीटर हो या 3 मीटर हो, और दूसरा है हमारा 4 सेंटीमीटर, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि यानी कि तीसरा साइड यानी कि ये हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं 3 और 4 है, और जो तीसरा साइड है वो हमें अननोन है, वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो चलिए फॉर्मूला पर इसको पुटअप करते हैं, एच स्क्वायर हमने लिख दिया और पी पी स्क्वायर यानी कि क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डाल दिया और प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिया। तो चलिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें आने वाला है 25 और
एच स्क्वायर इक्वल टू हमें फाइनली आ गया 25। अब बताइए इस 2 का क्या करना है, इस पावर 2 को याद कीजिए, इस स्क्वायर को जब दूसरे तरफ लेकर के हम जाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड में, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका बन जाएगा एच इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 25। और स्क्वायर रूट 25 को क्लास 8th में आप याद कीजिए क्या होता था, इसका वैल्यू होता था 5 होता था। तो इस तरीके से हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। फ्रेंड हम सब लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग परिचित हो चुके हैं, उसको हम लोगों ने रिकॉल भी कर लिया है। अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें काम आ पाता है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, और वो 90 डिग्री कहाँ पे है आपका, बी पे बना हुआ है। उसमें एक साइड ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, फर्स्ट में बोला है साइन ए एंड कॉस ए। यहां से देखिए वही रेशियो दोबारा भी है लेकिन बस एंगल आपका चेंज है, इसमें ए था और इसमें आपका सी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हमने एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लिया, एक राइट एंगल ट्रेंगल, और ये है आपका 90 डिग्री बी पे है, राइट एंगल डेट बी, तो हमने बी पे राइट एंगल कर लिया। बाकी का नाम आप बदल कुछ भी दे सकते हैं ए और सी में से। तो हमने ऊपर में टॉप में ए मार्किंग कर लिया और इधर सी कर लिया। तो अभी आप समझ गए, ये है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट 90 डिग्री, जिसमें से ए बी बोल रहा है, ए बी बता रहा है आपका क्वेश्चन 24, तो ए बी 24 कर लेते हैं और बी सी कर लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए डिटरमिन साइन ए कॉस ए। तो ये साइन ए या कॉस ए का जो रेशियो होता है, आप ध्यान से देखिए, हम लोग जब इसको डिस्कस कर रहे थे तो दोनों में हमें हाइपोटेनस का रिक्वायरमेंट था और ये हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया था। तो चलिए सबसे पहले हम ए सी को फाइंड आउट करते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमें पता ही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो हमने पी का वैल्यू डाल दिया 24 और एक 7 डाल दिया। फाइनली एच 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगेन 7 स्क्वायर यानी 7 × 7 आपका 49 हो गया, तो एच स्क्वायर आपका होने जा रहा है 625। और हम स्क्वायर को दूसरे तरफ स्क्वायर इक्वल टू के लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 625, यानी कि जिसका वैल्यू आप अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, अगर जिनको स्क्वायर रूट में डाउट होगा वो हमारा दूसरा वीडियो इस पे देख लीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 25। तो हमें इसका स्क्वायर रूट 625 का करने पे 25 आ गया, जो कि आपका हाइपोटेनस का वैल्यू है, यानी एसी की वैल्यू हमारा 25 यहाँ पे आ गया। अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है तो अब हम रेशियो आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट में साइन ए का रेशियो निकाल कर देखते हैं। तो साइन ए हम लोग जानते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी हमें दोनों पता है। अब बताइए ए ए एंगल के लिए अगर हम ए से देखें तो परपेंडिकुलर कौन है, जस्ट मैंने बताया था यहां से जस्ट सामने देखना है, सामने वाला साइड है आपका बी सी यानी कि 7 और हाइपोटेनस है आपका 25, तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। अब बात करें कॉसे की, तो वैसे ही कॉसे का कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बी बेस कौन होगा, ए एंगल के लिए बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनस वही सेम 25, तो ये हो जाएगा रेशियो 24/25। इसके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं साइन सी। देखिए इसने एंगल को चेंज कर दिया, अभी ए नहीं रह गया आपका, अभी एंगल है आपका सी। तो सी एंगल के केस में बताइए परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया, ये तो हाइपोटेनस रहेगा और दूसरा साइड जो है ये आपका बेस हो गया। तो देखिए साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा 24/25। अगेन कॉस सी की बात करें तो ये है हमारा सेम फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, लेकिन सी एंगल के लिए बेस हो गया हमारा 7 और हाइपोटेनस हो गया 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/25। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि कैसे हम फॉर्मूलाज का यूज करके इस एक्सरसाइज में अलग अलग रेशियोज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए प्लीज, और देखिए सेम फॉर्मूलाज का यूज करके, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके कि आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।